हम उस एरा में रह रहे हैं जहाँ पे कबीर सिंह एक फिक्शनल करेक्टर, उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है जबकि उसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो करेक्टर फिल्मों में बहुत बढ़िया लगता है। भाई वो दारू पीता है, भाई वो सिगरेट पीता है, भाई वो लड़कियों से इश्क लड़ाता है, बट क्या वो रियल लाइफ में अगर होगा तो क्या ऐसा रोल मॉडल लड़कों को मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए, बट फिर भी हमारे लड़के उस पर लट्टू हुए फिरते हैं। और लड़कियों को भी अफसोस, बहुत मोस्टली जितना मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, बैड बॉयज़ वाली छवि लेके वही पसंद आते हैं। जहाँ पे उसी एक्टर शाहिद कपूर ने बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हुए जब वी मेट फिल्म में आदित्य का रोल किया था और एक ऐसा करेक्टर दिया था कि तुम्हें उसकी तरह मिलना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि तुम्हें क्यों कबीर सिंह नहीं बनना चाहिए, और कबीर सिंह से बढ़िया अगर तुम्हें लाइफ अपनी सुधारनी है, एक अच्छा इंसान बनना है, तो तुम आदित्य बन के कैसे खुद की लाइफ सुधार सकते हो। लोग आदित्य की वैल्यू नहीं करते हैं, बट लोगों को जाने दो भाड़ में। खुद की जिंदगी संवारनी है, खुद को एक अच्छा इंसान बनाना है, जिंदगी में खुद की रियलिटी से मिलना है, तो गो फॉर आदित्य। देखो कबीर सिंह क्या है, बाइक पे घूमेंगे, दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, सारे गलत काम करेंगे, फिर भी चाहेंगे हमें लड़की मिल जाए। और फिल्म में दिखा दिया जाता है कि हाँ, लास्ट में उन्हें लड़की मिल जाती है, लास्ट में वो कुछ भी करें उनका जो करेक्टर है उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है। अगर तुम्हारा करेक्टर ऐसा है, तुम अगर ऐसी गलत हरकतें कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि असली लाइफ में तुम्हें लड़कियां मिलेगी। और वहीं पे जो आदित्य वाला करेक्टर है, जो हमें सीखना चाहिए कि एक ऐसा इंसान जो दूसरे की कैसे हेल्प करता है, जो कैसे दूसरों की जो उसके लाइफ में आए उनको पूरा मतलब सिखाता है, उनके सपोर्ट में रहता है, हेल्प यहाँ तक करता है, एक इतना अच्छा इंसान है जिसमें ना कोई गलत चीज़ें हैं, वो हमेशा आगे रहेगा, उनको लोग इग्नोर कर देते हैं। यहाँ से हमें सोसाइटी का एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। एक फिल्म के हीरो को जब तुम इसलिए सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि वो कूल लगता है, उसने चश्मा पहना है, उसकी दाढ़ी है, उसका ये सब है, तो वो कूल लगता है, सिर्फ तुम उसको इसलिए सपोर्ट कर रहे हो। और उसके मतलब गुण क्या है उनको तुम इग्नोर कर रहे हो, जो भी बाकी चीज़ें क्या है उनको तुम इग्नोर कर रहे हो, तो यहाँ पे सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। सोसाइटी नामक जो ये कीड़ा है, ये कीड़ा के ऊपर काम करना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करता है ना कि ये हमेशा बाहरी दिखावे के ऊपर ध्यान देता है। अंदर के गुण क्या है, अंदर इंसान कैसा होना चाहिए, इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए आजकल के जो तुम बाबू सोना वाले रिलेशनशिप देखते भी हो, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब अंदर से इंसान कैसा है कैसा नहीं है, उन्हें बस बाहरी आचरण से पड़ता है फ़र्क कि उनकी दाढ़ी सेट है ना, हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो इंसान दिखने में सही है ना, वो इंसान टसन है ना, उस इंसान स्ट्रांग दिख रहा ना बाहर से, भले अंदर से वो खोखला, भले अंदर से उसके काम अच्छे नहीं हो, पर वो बाहर से एकदम ऐसे माचो मैन लग रहा है ना, तो हम उसके पीछे जाएंगे। और जबकि एक इंसान बाहर से एकदम सिंपल सादगी, उसको भी बुरा नहीं कहेंगे, बट वो सिंपल रहता है, वो सादगी वाला इंसान रहता है, उसे मेरी तरह सादगी पसंद है। हाँ, खुद को जोड़ना पड़ता है कभी कभी, उसको सादगी पसंद है, तो वहाँ पे हम बस उसके भारी आचरण को देख लेंगे, ठीक है यार सिंपल सा आदमी, पर हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमें वो बाहर से सिंपल दिख रहा है, बट अगर हम लॉजिक लगाएंगे और उसके अंदर झांकेंगे तो उससे बेहतरीन गुण वाला इंसान हमें ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता है। यही लोग करते हैं अपनी ज़िंदगी में, यही लोग करते हैं अपने रियल लाइफ में। जब रिश्तों की बात आती है तो वो हमेशा प्रीटी फेसेस की तरफ जाते हैं, जबकि जो प्रीटी नेचर है उसको वो इग्नोर कर देते हैं। और इसीलिए जो बढ़िया इंसान होते हैं, जिन्हें सीधा साधा, जिन्हें चोमू बुलाया जाता है लोगों के द्वारा, जो अच्छे इंसान होते हैं, उनकी कोई कदर करता नहीं है। और वो भी बेवकूफ़ ऐसे होते हैं जिनको कदर लोगों से करवानी होती है। यार जब तुम एक अच्छे इंसान हो तो तुम्हें लोगों की वाहवाही क्यों चाहिए? तुम खुद के लिए, जब खुद अच्छे हो तो तुम खुद के लिए खुद अच्छे बनो ना। तुम अच्छे हो तो तुम ऐसे बनो कि कोई भी इंसान तुमसे बात करे तो तुम उसकी वाहवाही करो और उसको ऐसा लगे कि मैं स्पेशल हूँ। तुम अच्छे हो, तुम्हें किसी के द्वारा स्पेशल फील करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास सबसे बड़ी एक ताकत है, वो है तुम्हारी अच्छाई, वो है तुम्हारी अच्छा नेचर। उसके अलावा तुम्हें अब कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। जो जो भी तुम करोगे, जो मिले या ना मिले, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों के अंदर नहीं है और जो होनी चाहिए, जो लाइफ के अंदर बिताना चाहिए, इट इज़ द गुड नेचर। वो गुड नेचर तुम लेके हुए हो अपने साथ, तुमने डेवलप किया है, तो कोई तुम्हें सामने वाला बोले या ना बोले, तुम अच्छे हो या नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता यार। तुम सामने वाले को अच्छा फील कराते रहना, क्योंकि अच्छाई एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें आगे डेवलप करा देगी, तुम्हें आगे बढ़ा देगी लाइफ के अंदर। अगर तुम अच्छाई इसलिए करते हो कि तुम्हें कुछ कोई देगा, तो यार तुम बहुत गलत ट्रैक पे चल रहे हो। अच्छाई ईमानदारी की कॉस्ट यही होती है, एक हीरो बनने की कॉस्ट यही होती है। यस यू आर हीरो, अगर तुम असली रियलिटी जानते हो अच्छाई की, अच्छाई का दिखावा नहीं कर रहे हो, बट तुम अच्छाई कर रहे हो। तुम दुनिया के लिए हीरो नहीं हो, बट तुम अपनी लाइफ के हीरो हो, क्योंकि
99.99% लोग तो खुद की लाइफ के खुद हीरो नहीं बन पाते हैं। तुम एक फील्ड में तो खुद को जानते हो और अच्छा नेचर है तुम्हारा कि तुम सच में लोगों की हेल्प करना चाहते हो, तुम खुद को पहचान गए हो। तो अच्छाई की कॉस्ट ये है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, तुम अच्छे हो। और तुम्हारे ज़िंदगी में 2-3 लोग आ जाएंगे यार, टाइम लगेगा पर आ जाएंगे, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ होंगे, जो तुम्हारे दोस्त होंगे, जो तुम्हें बांटेंगे। तुम्हें एक भीड़ नहीं चाहिए, तुम भीड़ क्यों चाहते हो? तुम जिसे चाह रहे हो ना अभी लाइफ में, वो अगर नहीं मिल रहा है तो जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि तुम्हें उससे भी बेटर एक चीज़ मिल जाएगी आगे जाके। तो ये चीज़ समझो, तुम्हें कबीर सिंह बनने की जरूरत नहीं है अगर तुम आदित्य हो तो। और कोई अगर लड़का और लड़की देख रहे हैं तो मैं उन्हें पहले ही बता दूं कि कबीर सिंह को चेस करना छोड़ दो, वो एक फिल्म का करेक्टर है। असली लाइफ में भी बैड बॉयज़ को चेस करना छोड़ दो, बैड बॉयज़ की जो इमेज बना रखी है कूल माचो यंग बॉय, चलो यार ये भी हो सकता है तुम्हें उससे आकर्षण हो जाए, तुम्हें उससे वो मिल जाए जो तुम चाहते हो, तुम्हें एक गुड फेस वाला इंसान मिल जाए तुम्हारे हिसाब से, जो गुड फेस है, बाकी डेफिनेशन अपने हिसाब से लोगों ने बना रखी है। बट एक चीज़ बताओ, क्या उस गुड फेस से तुम वो सारी जिंदगी में चीज़ें पा लोगे जो पाने लायक है? गुड फेस को तुम शो ऑफ कर लोगे अपने दोस्तों के सामने कि मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये है, माचो मैन ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये फिर जो भी है ये इंसान ये है, बट इन द रियलिटी जो भी लड़का है क्या वो सिर्फ इस फेस से, या फिर लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड के इस फेस से ही अपनी सारी चीज़ें चला लेगी, या फिर उसे एक आदित्य जैसे अच्छे इंसान की तरफ जाना चाहिए जो उसकी ज़िंदगी में बाहर लेके आ जाए खुशियों की? और एक लड़के को भी आदित्य बनना चाहिए कि वो अपने लाइफ में एक अच्छाई को जाने, क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है। एक बाल दाढ़ी उगा लो, प्लास्टिक सर्जरी कर लो, थोप लो अपने मुंह के ऊपर कुछ भी क्रीम्स व्रीम्स, चले जाओ कहीं पे भी ब्यूटी पार्लर वगैरह, या फिर कुछ भी प्लास्टिक सर्जरी ऑप्शन है। एक चीज़ जो नहीं कर सकते हैं वो है अच्छा नेचर, वो है ऐसा नेचर जिसमें सच में लोग तुमसे कुछ सीखें और जिसमें सच में लोग तुम्हारे पास रहना चाहिए और तुम लोगों को कुछ दे सको। वही बात है कि ब्यूटी मॉडल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा लगा के सब कुछ तुम बन जाओगे, पर कृष्ण बुद्ध जैसा चरित्र कैसे आ जाएगा तुम्हारे पास? क्योंकि तुम में है ही नहीं वो चीज़ें जो अंदर से हो ना, उसको ग्रो करने का सोचो। बाहर का जो ये आचरण है यार, ये है आज कल नहीं रहेगा, ये टेम्प्रेरी चीज़ें हैं। अंदर के आचरण को ग्रो कर लिया ना तो सच में तुम हीरो बन जाओगे, जो तुम हीरो एक होता है। खुद को पहचानने पे फोकस करो, खुद को अच्छे से अंदर से बढ़ने पे कोशिश फोकस करो। कबीर सिंह बनना छोड़ो, कबीर सिंह फिल्मों में अच्छा लगता है, लोगों को अभी भी अच्छा लगेगा रियल लाइफ में जब तुम कबीर सिंह बनोगे। पर यही बात है कि तुम्हें ज़िंदगी खुद के लिए जीनी है या ज़िंदगी लोगों के लिए जीनी है? ज़िंदगी खुद के लिए जीनी है, खुद को ग्रो करना है तो आदित्य वाली लाइन पकड़ो। पूरा आदित्य मत बनो पर एक अच्छा इंसान बनो, पर एटलीस्ट कबीर सिंह मत बनो अगर खुद के लिए लाइफ ग्रो करनी है। एक्टर शाहिद कपूर को मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने तो यार फिल्म दिखाई है, एक वो फिक्शनल स्टोरी है, एक कहानी है। अब तुम उसको रियल लाइफ इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट कर गए हो तो तुमसे बुद्धू आदमी कोई नहीं है। शाहिद कपूर को जाके पूछो कि क्या वो खुद कबीर सिंह वाला बिहेवियर अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं क्या? ये कबीर सिंह, ये KGF वाला माहौल, ये जितनी फिल्में माचो मैन वाला माहौल फिल्मों में अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत रियल लाइफ में भी कर लो कूल बनने के लिए ठीक है, बट जब इसको ही अपनी रियलिटी मान के इसको ही सब कुछ अपना आचरण डालना स्टार्ट कर देते हो तो जो एकमात्र रियल चीज़ है, एकमात्र ओनली चीज़ है जो तुम्हारे गुणों के ऊपर तुम्हें काम करना चाहिए, जो तुम्हें तुम्हारे अंदर से काम करना चाहिए था, वो चीज़ें फिर मिस होती चली जाती है। तो कबीर सिंह नहीं, एक अच्छे इंसान बनो, आदित्य की तरफ जाओ, और भी अच्छे अच्छे इंसान की तरफ जाओ, बुद्ध से कुछ सीखो, कृष्ण से कुछ सीखो। माचो मैन वो नहीं है कि बाहर से अपनी सजावट कर ली, बाहर से एकदम कूल डूड बन गए, माचो मैन वो है जो अंदर से अपना चरित्र इतना सुधार लिया कि अब किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं है। तो आई होप यू गेट द मैसेज। कबीर सिंह बनोगे तो बाहर से लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हें कबीर सिंह पसंद आ जाएगा। अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा जो दिखने में सही है। बट सोच के बैठो कि था क्या तुम्हें भारी आचरण चाहिए दोनों लड़के और लड़की को, या फिर एक ऐसा इंसान चाहिए तो जो तुम्हारी ज़िंदगी को आसान बनाए, इतना आसान कि जैसे तुम सांस लेते हो, जैसे तुम रहते हो अपने लाइफ में, जैसे तुम खुद को महसूस करते हो, उतनी आसान तुम्हें चीज़ महसूस हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो, और बाय।